आज हम आए हैं परीक्षित गढ़ के श्रृंग ऋषि आश्रम में। आप देख सकते हैं यह वृक्ष 5000 साल पुराना है, जहाँ पे कलयुग परीक्षित जी के सर पे बैठ गए थे, क्योंकि उन्होंने परीक्षित जी से अनुमति मांगी थी कि उन्हें किसी सोने में जगह दी जाए। जो परीक्षित जी ने मुकुट पहन रखा था वो सोने का था, जिस कारण कलयुग परीक्षित जी के सर पे बैठ गए थे। कलयुग उनके सर पे सवार होते हैं और उनके मस्तक पर कब्जा कर लेते हैं, जिसके चलते वो अपने होश हवास खो बैठते हैं। वो आते हैं और इस तालाब से सर्प को उठाकर तपस्या कर रहे श्रृंगी ऋषि के गले में डाल देते हैं। ये वो जगह है जहाँ श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे। परीक्षित जी आते हैं और इनके गले में सांप डाल देते हैं। तभी श्रृंगी ऋषि जी के बेटे श्रमिक ऋषि परीक्षित जी को श्राप देते हैं कि 7 दिनों के अंदर सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह है श्रृंग ऋषि का वह आश्रम और उस आश्रम में स्थित यह वट वृक्ष, जिसकी उम्र 5000 वर्ष से भी ज़्यादा है। आज इस वृक्ष की शाखाएं भी जमीन से जुड़कर तने में बदल चुकी है और यह जो सरोवर आप देख रहे हैं, वहां से कभी कौशल नदी बहा करती थी, जो अब विलुप्त हो चुकी है। सरकार ने इस पौराणिक स्थल के सौंदर्यकरण के लिए आज से करीब 5 से 6 वर्ष पूर्व 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ बाउंड्री कराई थी, यात्राओं के लिए शौचालय बनवाया था और काफ़ी सारे फल फूलों के वृक्ष भी लगाए थे, परंतु उनके रखरखाव के अभाव में यह सब तहस नहस हो चुका है। उम्मीद है कि सरकार इसके रखरखाव के लिए कुछ कर्मचारियों को नियुक्त करे और इसे पर्यटकों के लिए सुगम तीर्थ स्थल बनाएं।